पेट्रोल और डीजल के प्राइस कंट्रोल करता कौन है और पेट्रोल और डीजल को जीएसटी से बाहर क्यों रखा गया है। एसबीआई ने एक रिपोर्ट में बताया था अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में डाल दिया जाए तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। जब पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ते हैं तो लोगों में बहुत तनाव रहता है, लोग जगह जगह इस बात का विरोध करते हैं और गवर्नमेंट से तरह तरह के सवाल जवाब करते हैं और गवर्नमेंट को कोसते हैं लोग। तो क्या गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल के प्राइस कम ज़्यादा करता है? असल में पेट्रोल और डीजल के प्राइस कंट्रोल करता कौन है और पेट्रोल और डीजल को जीएसटी से बाहर क्यों रखा गया है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। बस आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम विपिन ठाकुर और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो ना यार। जब पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ता है, क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ते हैं तो सिर्फ पेट्रोल और डीजल के प्राइस ही नहीं बढ़ते, हर एक चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं। देखिए, पेट्रोल और डीजल से सिर्फ गाड़ियां ही नहीं चलती, हर एक चीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है पेट्रोल और डीजल से। आज आप महाराष्ट्र का अंगूर दिल्ली में बैठकर खा पा रहे हो तो सिर्फ पेट्रोल और डीजल की वजह से। पूरे ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्शन का बेस होता है पेट्रोल और डीजल। कंट्री में पेट्रोल और डीजल की कमी होती है तो महंगाई से लेकर जीडीपी तक हर चीज़ पर असर पड़ता है। पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल मिलता है वो सीधा जमीन से निकाल कर तो आपको दिया नहीं जाता। सबसे पहले क्रूड ऑयल को जमीन और समुद्र से निकाला जाता है जो एक रॉ फॉर्म में होता है, जैसे कच्चा तेल भी कहते हैं। अब हर जगह तो क्रूड ऑयल निकलता नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड मेन 3 प्लेयर हैं जो क्रूड ऑयल बेचते हैं, USA, रूस और OPEC। OPEC एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ईरान, इराक, सऊदी अरब, UAE जैसी 13 पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री शामिल हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड आधा क्रूड ऑयल OPEC ही कंट्रोल करता है। क्रूड ऑयल के प्राइस भी OPEC ही कंट्रोल करता है। ये देश आपस में मीटिंग करके क्रूड ऑयल की डिमांड के हिसाब से सप्लाई को कम ज़्यादा करके प्राइस कंट्रोल करते हैं। अपने इंडिया में भी क्रूड ऑयल निकलता है लेकिन वो काफ़ी नहीं है। भारत एक बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल बैरल के हिसाब से मिलता है। एक बैरल में 159 लीटर क्रूड ऑयल आता है। पर बैरल की करंट प्राइस लगभग $73 है। क्रूड ऑयल को इंटरनेशनल मार्केट से खरीदने के बाद रिफाइनरीज तक लाया जाता है। हर देश के पास अपनी रिफाइनरीज होती हैं। भारत के पास कुल 23 रिफाइनरीज हैं। रिफाइनरीज में क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके पेट्रोल, डीजल, जेट ऑयल, केरोसिन और भी कई तरह के ऑयल निकाले जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस पेट्रोलियम जैसी कंपनियां इन्वॉल्व रहती हैं। इसके बाद कंपनी रिफाइनरीज से पेट्रोल और डीजल अपने अपने पेट्रोल पंप तक पहुंचाती हैं, तब आपको पेट्रोल और डीजल मिल पाता है। रिफाइनरी में पूरा प्रोसेस होने के बाद कंपनी इनका एक बेस प्राइस सेट करती है। पेट्रोल का बेस प्राइस 29.34 रुपए पर लीटर है, जिसमें कंपनीज का कमीशन भी इंक्लूड रहता है। ये आंकड़े दिल्ली के हैं जो 1 फरवरी 2021 को लिए गए हैं। इसके बाद इस पर 0.37 रुपए पर लीटर ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है। उसके बाद पेट्रोल पर 32.98 रुपीज पर लीटर एक्साइज ड्यूटी टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। इसके बाद आता है डीलर कमीशन जो एवरेज 3.69 रुपए पर लीटर है। अब अंत में आता है वेट टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है जो 19.92 रुपए पर लीटर है। यानी 29 रुपए पर लीटर वाला पेट्रोल टैक्स और कमीशन के बाद यही पेट्रोल अब आपको 86 रुपए पर लीटर में मिलेगा। ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया में पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जाता है। यही कारण है नेपाल में इंडिया से सस्ता पेट्रोल मिलता है जबकि इंडिया नेपाल को पेट्रोल देता है। अब हम इंडिया की कंपेरिजन नेपाल से तो कर नहीं सकते क्योंकि हर कंट्री की जरूरतें अलग होती हैं। अब अगर गवर्नमेंट चाहे तो अपने टैक्सेस कम करके पेट्रोल और डीजल के प्राइस कम कर सकती है, लेकिन होता क्या है, गवर्नमेंट अपने अपने टैक्स बढ़ाती हैं और सेम टाइम पर अपने वोटर्स को फ्री में कोई लैपटॉप देता है, कोई लोन माफ़ करता है, कोई बिजली का बिल माफ़ करता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करने से उतने वोटर्स नहीं बनेंगे जितने फ्री की चीज़ें देने से बनेंगे। तो लैपटॉप देने से कुछ नहीं होगा, नौकरी देने से होगा। अब बात करते हैं पेट्रोल और डीजल को जीएसटी से बाहर क्यों रखा जाता है। अगर पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लगा दी जाए तो इनकी कीमत लगभग आधी हो जाएंगी। तो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाया जाए और ना ही स्टेट गवर्नमेंट। अब सवाल ये है कि क्यों नहीं चाहती। जीएसटी आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट पर सीमित संसाधन रह गए हैं कमाई के। अब अगर पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी में डाल दिया जाएगा तो इसका स्टेट गवर्नमेंट पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा।
वहीं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाती है तो इन पर जीएसटी के जरिए मैक्सिमम 28% टैक्स ही लगेगा, जिससे गवर्नमेंट की कमाई पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। एसबीआई ने एक रिपोर्ट में बताया था, अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में डाल दिया जाए तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा। आशा करता हूँ आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे पाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें।